सर आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है, पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या क्या आयोजन किया गया है और किस तरीके से मनाया जा रहा है? विभिन्न प्रदेशों द्वारा उनका स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसा स्थापना दिवस पहले नहीं मनाया जाता था। पहली बार हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने निर्णय लिया है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण यह है कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो स्टेट रिजर्वेशन कमीशन जो बैठा था उसने उत्तर प्रदेश राज्य जो आज वर्तमान स्वरूप में है उसकी स्थापना की थी। उस स्थापना को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। इस स्थापना दिवस का उद्देश्य ये है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उत्तर प्रदेश की, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो बाकी जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो सके और लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और उत्तर प्रदेश की स्कीम से अपना लाभ उठा सकें। आज किस किस को यहाँ सम्मानित किया गया है और क्या वजह थी उसकी? आज यहाँ पे मेनली सम्मान जो है दत्ता सिस्टर्स जो हैं, तीन रिया दत्ता हैं और उनकी दो बहनें हैं, जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को जो ईव टीजिंग का प्रयास हो रहा था वहाँ पे उनसे बचाया था। ये बहुत बड़ी सुर्खियाँ भी बच्ची बनी थी उनको प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को एक उदाहरण पेश करने के लिए कि वो लोग भी इस तरह से करें, अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन करें और आगे आएँ और किसी तरह की अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो उसमें एक्टिवली उसको उसका विरोध करें। इसलिए दत्ता सिस्टर्स को हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है। इसके अलावा हमारे पटेल जी जो एक शहीद थे, शहीद सिपाही, उनकी वाइफ को बुलाया गया था लेकिन अभी दुर्भाग्यवश अभी टाइम पर नहीं पहुँच सकी हैं, जैसे ही आती उनका सम्मान समारोह भी यहाँ पे कराया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है सर आज और किन किन विद्यालयों से बच्चे हैं? सम्मान समारोह के अलावा यहाँ पे हमने क्वींस कॉलेज है और एक और कॉलेज है आपका इंटर कॉलेज और तीन चार और जो बड़े आसपास के कॉलेजेस हैं वहाँ से बच्चे बुलाए हैं, उनके द्वारा पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसका थीम है स्वच्छ काशी स्वच्छ भारत। इसके अलावा यहाँ पे डिबेट कंपटीशन भी होगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम्स चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनसे लाभान्वित हों, उनका लाभ उठा सकें।